जल्दी भिजवाओ, ये चुपी से गाड़ियाँ उठा रहे थे और ये यूनी टावर वाले आके यूनी टावर वाले नहीं बोलो, बोले एमपीए सैयद अब्दुल रशीद ने रोका है। सरकारी काम में आप मुदाखला कर रहे हैं? सरकारी काम में मुदाखला कर रहे हैं। अब करो ना, करता हूँ, खबर करो, खबर करो, करो भाई, सारे बत्ते ठंडे करूंगा तुम लोगों के, सारे बत्ते, मेरा चलन पता भी ठंडा हो जाएगा। अभी ये देखो, ये अपनी जेब में रख, देखो मैं अभी संभालूंगा, रोड बंद करके दिखा, अभी देखो बंद करके दिखा, देखो तुम क्या होता है, तुम्हारे बंद करेगा रोड, तुम देख रोड बंद करेगा, ऐसे बंद करेगा, बदमाशी करोगे, तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम पूरे अपने सरकारी गाड़ी को रोका हुआ है, रोका है मैंने, सरकारी गाड़ी को रोका है, सरकारी गाड़ी बत्ते के लिए नहीं है, ये बत्ते के लिए नहीं है, ये बत्ते के लिए है, चलो अभी देखते हैं रोड क्या कौन खोलता है। हां अरे भाई बत्ता खोर है, पुलिस पूरी ट्रैफिक पुलिस बत्ता खोर है, ये कुछ नहीं उखाड़ सकते मोबाइल भेजे, यहाँ बंदा है, सरकार गाड़ी रोकी हुई है हमारी चौकस और उनके साथ मजा कर रहे हैं, ये अपने आपको एम पी ए बता रहा है, आप मोबाइल को भिजवाए यहाँ पे इल्तार चौक पे, ये भाई ये गाड़ी को रोका हुआ है, ये मैंने रोका है, मैं एम पी हूँ, यासीन आपका नाम है, अब्दुल रशीद नाम है, यासीन उनका नाम होगा, क्या मसला है सर? ये गाड़ी को बात करी है, रोड को क्लियर करने के लिए अच्छा टाइम है, हमने गाड़ी उठाई है, इन्होंने गाड़ी को रोक के खड़ा हुआ, गाड़ियाँ नहीं उठाने दूंगा, नहीं उठाने दूंगा, क्या उठाओ, कौन सी गाड़ी है सर आप? ये सारी गाड़ियाँ मेरी हैं, ये यहाँ पे लोग खड़े सामान लेने के लिए यहाँ खड़े, पीछे से उठा के बदमाशी कर रहे, तुमने 700-700 दिहाड़ियों पर रखे ना इनको, ये कोई तरीका नहीं है, जाओ आई जी ट्रैफिक को बुलाओ, मैं एम पी ए हूँ, मैं असेंबली बिजनेस कर चुका हूँ इस मसले के ऊपर, ये तमाशा आप शहर में नहीं चलेगा, रमजान का ख्याल नहीं है, सरदारी का जेब भरना है भाई, सरदारी का जेब भरना है इन लोगों को, ये गाड़ियाँ इन गाड़ी में वजह से ये उतार ही है अभी, अच्छा यहाँ ये सामने सामान ले रहा है बंदा, यहाँ खड़ा है एक बंदा, यहाँ खड़ा है उसकी भाई, क्यों खेच खेच के चढ़ा रहे हो, मेरा बहुत सी बदमाशी है यार, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इसको समझा करके जाऊंगा, जब तक लोग नहीं खड़े होंगे ना निजाम इसी तरह चलेगा इन लोगों के हाथों में, जब तक लोग नहीं खड़े होंगे इनके खिलाफ निजाम ऐसे ही चलेगा। गाड़ी कौन सी उठाइए, उतार दिया गाड़ी, नहीं उठाइए आप, जा रहे नहीं उठाओ, नहीं उठाओ फिर बात करेंगे, नहीं नहीं पहले तुम अपने ऑफिसर को बुलाओ, तुमने जो बात की है मुझसे तुम अपने ऑफिसर को बुलाओ, वो मैं बुलाऊंगा, नहीं तुम अपने ऑफिसर को बुलाओ, अभी ये गाड़ी नहीं जाएगी, ये गाड़ी जाएगी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं उठाता, अब जाओ, नहीं दूंगा चाबी, ये चाबी है लो मुझसे दो, नहीं दे रहा, बुलाओ अपने ऑफिसर, जाओ निकालो गाड़ी।
जब तक पब्लिक नहीं खड़ी होगी इनके खिलाफ, इसी तरह हाकिम भी मुसल्लत होंगे, इसी तरह चोर भी। हम तुम्हारे साथ रिसाला थाना भरा हुआ है, मीठा दर भरा हुआ है, ईदगाह भरा हुआ है, सिविल अस्पताल की इमरजेंसी तक नहीं छोड़ते ये। पूरे शहर में पार्किंग प्लाजे खड़े किए इन्होंने, पार्किंग प्लाजे खड़े किए हुए। हर मेटल वहाँ ब्रेड के पास था, जो पार्किंग वाला कह रहा है उसने लिस्ट दिखाई इतनी लंबी, उसमें 9 पुलिस वालों के नाम थे। कहता है 300 ये लेके जाता है, 200 ये लेके जाता है, 1000 रुपए इसको देता हूँ, कैसे चलेगी। पब्लिक से भी ये कह रहा हूँ, जब तक लोग नहीं खड़े होंगे इसी तरह रुलते रहोगे इनके पीछे, इसी तरह रुलते रहोगे। एक एक आदमी में वजन नहीं होता है, एक आदमी का वजन नहीं है। रमजान का ख्याल नहीं है, रमजान का नहीं उठा सकते भाई। मैं वो पार्लियामेंट का मेंबर हूँ ना, कह रहा हूँ नहीं उठा सकते। तो है ही नहीं, लॉ ही नहीं है इनका, इनको इजाजत नहीं है। नो पार्किंग का बोर्ड लगा है कहीं पे, लॉ नहीं है इनका, मना है, इनको मना किया हुआ है, गाड़ी नहीं उठा सकते। ऊपर से नीचे तक पूरा भत्ता चलता है, ऊपर से नीचे तक इसका नाम पता करो, इस पे प्रिविलेज डालूंगा, इसको बताऊंगा कि ये इसकी पेटी और वर्दी गाड़ियाँ पार्किंग का भर गए हैं भाई, और तापना गरीब भरी भी पार्किंग का गाड़ियाँ भर। क्या नाम है? देख ले आगे लिखा हुआ। नाम क्या है आपका? सनाउल्ला, एसओ है आप? लोग दलील होते हैं ना, फार होते हैं, इस तरह सिस्टम फार होगा। मैंने इनके आगे औरतों को हाथ जोड़ते देखा है,
अभी बाजार शुरू होंगे ना, तो आप देखना कि क्या असर होगा इस कराची के लोगों का। इस कराची को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बदमाशी के अलावा कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। कानूनी काम फॉलो करो, बदतमीजी नहीं करो, खामोशी के साथ नौकरी कर रहा हूँ। आप क्यों गालियाँ दे रहे हैं? आप खड़े रहो खामोशी के साथ, आप अपना काम करो, अपना काम कर रहे हैं। कानून दुनिया में देखा है पाकिस्तान में क्या चला है, कोई कानून नहीं है। कानून आपके लिए है, कानून मेरे लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। नहीं करूँगा, आप अपने ऑफिसर को बुलाओ। मेरा प्रिविलेज है जो तुमने तस्दीक की है ना, मैंने अपना मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद इसने जो तस्दीक की है ना, तो अब सिस्टम जलील होगा, सिस्टम। मैं नहीं, एक होता है आदमी अनजान, अब तुम्हारी नहीं चलनी है, बस नहीं चलनी है अब तुम्हारी, अब चलेगी आवाम की, आवाम की। इसकी बाइक है, उतार लो इस पर से। ये सबसे बड़ा बदमाश है, कहाँ है आने दो गाड़ी को लॉक कर देगा, फिर इसकी मर्जी है, ये छोड़े नहीं छोड़े। आने दो ये कहाँ पर होता है? कौन सा? ये वाला कार्य उठाने वाला है। ये पैसे लेता है? पैसे कोई नहीं लेता है। कार अगर किसी की खड़ी हो, इसको बोलो कि भाई छोड़ दे, नहीं छोड़ दे। ये के लिए खड़ा होता है, वर्दी के इसका कोई इख्तियार नहीं है। मार्केट गया तुम काली बत्ती जाते हो, पूछो ट्रैफिक पुलिस का काम। अरे ये भाग रहा है, ये क्या नाम है आपका? तुम भागना किस बात से? क्या नाम है आपका? किस बात से भाग रहे भाई? वो कह रहे हैं कि आप गाड़ी लॉक करके पैसे लेते हो। खड़ा नहीं सुनते, हाँ बोलते आ जाओ छोटी आ जाओ। गाड़ी चुनरी का रोड, किस चीज की चुनरी का रोड पर 2 मिनट का हमारी दुकान है, 24 घंटे किस चीज की ना पार्किंग? नाम क्या है इसका? ये रोड जब बनता है नो पार्किंग है सर जी। ये जो गाड़ियां लगी हुई है किसी ने? भाई नो पार्किंग है ना, नो पार्किंग है, नो पार्किंग के बहुत। सैयद अब्दुल रशीद।
भी आप फरमाएं, अकेले में कोई बात नहीं। पूरी बात सुन लो, उसके बाद आप सुनाओ। मैं तो तुम्हारी डेढ़ घंटे सुन रहा हूँ। मैं तो रोजे के अफ्तार भी इंतजार नहीं कर रहा। मुझे अपने ऑफिस का दिनों पे टाइम दे तो मैं वहाँ आ जाता हूँ, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक तो नहीं बहुत फिलो है ना। आप गाड़ी दो, गाड़ी को जाने दो। आप अगर ये बच्चा नहीं, आपकी जमानत कौन लेगा? जमानत बढ़ती देगी जो मेरी वर्दी है। वर्दी के साथ तो कुछ तकद्दस रखा ही नहीं ना आप लोगों ने। कौन सी वर्दी, कहाँ की वर्दी? तकद्दस बचा है? नहीं बचा। मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए, मैंने तो सिर्फ मेरे भाई साहब, मैंने सिर्फ इसलिए आपको रुका कि जब मैंने आपको अपना तारुफ करवा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए था कि बात कैसे करनी है। लेकिन मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, आम आदमी बनकर मैं इस कार्ड की भी कोई हैसियत नहीं समझता। मेरे साथ अगर पाकिस्तान का शरारती कार्ड है ना, तो बस काफी है, मेरे लिए काफी है। मैं आपके वोटों से एमपीए बना, लेकिन मैं कानून की पासदारी के लिए बना हूँ, कानून छिकनी के लिए नहीं बना। ये कानून छिकनी हो रही है, आप लोग बत्ता ले रहे हो, आप ये बयान दो कि आम आदमी की गाड़ी अब इस तरह नहीं उठेगी। आप बोलो, रोड पर से एक आदमी जब अपनी गाड़ी के साथ खड़ा है, अब एक बंदा दुकान से गाड़ी उठा लोगे? नहीं उठाई ना, मैं क्यों बोला? वो बंदा नहीं उठेगी, बंदा खड़ा होगा गाड़ी नहीं उठेगी। उठाई तो मैंने रोकी है, उठाई होगी मैं खड़ा होगा। मेरे पास वीडियो है, आपकी गाड़ी सबसे बड़ा गुंडा है। ये चाबी मैंने क्यों ली है? इसलिए ली है कि इस वक्त रिसाला थाने में, ईदगाह थाने में, प्रेडी थाने में, मीठादार थाने में हजारों नौजवान रुल रहा है, दलील हो रहा है, लोगों में बुहार हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर धूप में मेरे साथ खड़े हो, आप परेशान हो गए हो, आप इस परेशानी का अंदाजा करो जो अपनी माँ बहन को बाजार लेकर आता है उसकी बाइक गुम हो जाती है, जो सिविल अस्पताल में मरीज छोड़ने आता है उसकी बाइक गुम हो जाती है, उसकी परेशानी का ख्याल करो। मैं इसके ऊपर असेंबली में प्रिविलेज दे चुका हूँ, उसके बाद आज डटा हूँ, उसके बाद ऐसे नहीं। तुम्हारे DIG ट्रैफिक से बहुत तफसीली मुलाकात की है, अभी मैं कहता हूँ ना, ये इस गाड़ी की वीडियो बनाएं, इसका इंस्पेक्शन करें ना, इस गाड़ी पे भी ट्रैफिक का कानून फॉलो नहीं हो रहा, इस गाड़ी के ऊपर भी हूटर नहीं लगा हुआ, इस गाड़ी के ऊपर भी माइक साउंड नहीं है। वो हमें बोलते हैं मैं यहीं पे दफन करूंगा, साथ भी बहुत सारे लोग देते हैं, कभी पकड़ी हो गए। ये मैं चाबी आप लोगों के सामने इसके हवाले कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि रमजान में पब्लिक नहीं रुले, लेकिन मैं आप सबके सामने ये अहद कर रहा हूँ कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको छोड़ूंगा नहीं।